वेलकम टू माय स्टूडेंट, आपको हम बताएंगे रैशनलाइजेशन। तो किसी फंक्शन का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। कुछ हमारे बच्चे थोड़ा वीक हैं पढ़ने में, तो कह रहे थे कि सर रैशनलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें रैशनलाइजेशन थोड़ा मैंने बताना उचित समझा। तो चलिए आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम थोड़ा सा बताएँगे बेसिक चीज़। आप मजाक मत बनाइएगा कि बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल सर बता रहे हैं। कुछ कमज़ोर बच्चे थे, हमको कमेंट किए कि सर बताइए। जैसे 1/7 है, इसका कह रहा है कि रैशनलाइजेशन करना है। तो 1/7 है तो 1/√7, 1/√7, 1/√7, जो इसका डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? √7 कितना आ जाएगा? 7। आपका 1/7√7 आंसर हो गया। हमेशा डिनोमिनेटर के रूट को क्या करना होगा? गायब करना होगा। ओके, तो अब एक एग्जांपल और बताते हैं, √7√6। ओके, ये इसको सॉल्व करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है बच्चों। तो इसका रैशनलाइजेशन, इसमें बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हुआ है। ठीक, माइनस लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √7√6, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। √7 माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, √6/√7+√6। ओके, अब ऊपर न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा, √7√6 और a-b a+b का फार्मूला लगा देंगे। a² - b² होता है √6 का स्क्वायर। तो √7+√6, √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो √7+√6 1। आपका आंसर कितना आया? √7+√6, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब हमने जैसे माइनस वाला बताया, ऐसे हम आपको प्लस वाला एक बताते हैं क्वेश्चन। √5+√2 कह रहे हैं, इसको सॉल्व करिए या सिंपलीफाई करिए। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, √5√2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5-√2, √5√2। ओके, तो न्यूमरेटर ऐसे, यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बच्चों क्या था? माइनस लिखा हुआ था, तो माइनस का माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर वही होगा, √5√2 a+b a-b क्या आ जाएगा? √5 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, √5√2, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो √5-√2, 5-2 कितना आएगा? 3 आएगा, 1/3 √5√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया रैशनलाइजेशन करने का। इस तरह से आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो। हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए रैशनलाइजेशन करना। तो हमसे जो ज़्यादातर जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वीक बच्चे भी होते हैं। हम वीक नाम नहीं लेंगे, सारे बच्चे इक्वल होते हैं। ठीक है, वीक मैंने बोला उसके लिए सॉरी। हमारे सारे बच्चे इक्वल हैं और सब बिल्कुल मेहनत करते हैं। एक से एक कमज़ोर बच्चों को मैंने तेज़ बनाया है। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है, इसको सिंपलीफाई करना है या रैशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस लेके चलेंगे, √2√3√5+√2, इसका जो होगा, ध्यान दीजिएगा, √5+√2 ओके। अब यहाँ तो है नहीं कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा, √2√3 एक ब्रैकेट में,
रूट फाइव रूट टू, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, तो रूट फाइव ऑफ होल स्क्वायर रूट टू ऑफ होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। रूट टू का मल्टीप्लाई रूट फाइव में करिए, सबसे पहले रूट टू का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में रूट फाइव रूट टू प्लस यहाँ लिखा हुआ है रूट थ्री रूट फाइव रूट टू। ओके, अब रूट फाइव का स्क्वायर फाइव आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा। रूट फाइव रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टेन आ जाएगा। रूट टू रूट टू टू हो जाएगा, रूट फिफ्टीन हो जाएगा ये, और रूट सिक्स हो जाएगा। ओके, फाइव माइनस टू इज थ्री, तो वन बाई थ्री रूट टेन टू रूट फिफ्टीन रूट सिक्स आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं इस तरह से सिंप्लीफाई आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और सॉल्व करिए, मेहनत करिए। इस तरह का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने रैशनलाइजेशन बताया, और आगे भी और हम वीडियो लाएंगे इसमें, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बनाएंगे वीडियो, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।